फ्रेंड्स, आज हम जो लोअर का वीडियो लाए हैं जेंट्स, उसके लिए ये हमने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। कॉटन का फैब्रिक है। इसको हम सबसे पहले ओपन कर लेंगे। इसका अर्ज थोड़ा सा कम है, बट हम इसी में देखिए इसे उल्टी तरफ से अब हम डबल फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज। बट ये याद रखेंगे, जो भी हमारे हिप का सरकम फेरेंस है उसका 4th पार्ट प्लस 3 इंच हम इस तरह से इसे फोल्ड कर रहे हैं। जो भी आपका हिप का सरकम फेरेंस है उसका 4th पार्ट प्लस 3 इंच, इस हिसाब से हमने इसे डबल फोल्ड करना है लेंथ वाइज। ये हमारा इस तरह से हमने उल्टी, ये देखिए, ये हमने हिप की सरकम फेरेंस से 3 इंच ज़्यादा लिया है। ये लास्ट की जो हमारा बॉर्डर होता है कपड़े का, वो हम हटा देंगे। हम इसमें 3 इंच इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्योंकि हमें इसमें क्रॉच वगैरह जोड़ना होता है। ऊपर हम 2 इंच की बेल्ट देने वाले हैं तो हम उसे कंसीडर नहीं अभी कर रहे हैं। लेंथ हम पेंट की इस हिसाब से रख रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे 38 इंच चाहिए तो हम डायरेक्ट 38 पे ही मार्क कर लेंगे। 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा नहीं करेंगे नीचे मोड़ने के लिए। ऊपर 2 इंच की बेल्ट हो जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा। जो भी आपको नाप लंबाई में चाहिए उसको ही डायरेक्ट मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे हिप की सरकमफेरेंस का जो माप है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके इस तरह से मार्क कर देंगे। और फिर इधर भी हिप की सरकमफेरेंस के मार्क से 2.5 इंच ज़्यादा पे हम यूँ मार्क कर लेंगे। जो भी आपकी हिप की सरकमफेरेंस है, यानी जो भी माप 4 से भाग करने पे आती है, उसमें 2.5 इंच जोड़ के यहाँ पे मार्क कर लीजिए। इसके बाद इधर से हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे जो हमने ज़्यादा लिया है। इसके बाद गोलाई दे लेंगे, यानी जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उसमें से 1 इंच तो ऊपर हमने एक्स्ट्रा ले लिया और फिर 2 इंच ये क्रॉच बनाने के लिए ले लिया है। यहाँ पे अब हम ये जो नाप है इसकी मिड पॉइंट यूँ निकाल लेंगे। ये मिड पॉइंट इस तरह से जो भी आई, उस मिड पॉइंट को नीचे भी हम मार्क कर देंगे। तो दोनों मार्क्स को हम इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। अब जो नीचे का मार्क हमने दिया है, इस पर हम अपने जो भी हमें पहचे की नाप चाहिए उसके हिसाब से निशान लगा लेंगे। अगर सपोज हमें 6 इंच चाहिए तो जो मिड पॉइंट है यानी बीच का मार्क है, इससे 3 इंच इधर और 3 इंच दूसरी तरफ हम मार्क करेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से 6 इंच के लिए मार्क 3-3 इंच दोनों तरफ से कर दिया। अब शेप पट्टी अगर आपके पास नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ से सीधी लाइन की का मार्क लगा लीजिए, यानी क्रॉच से जस्ट सीध का मार्क लगा लीजिए। उसके बाद जो फर्स्ट हमारा यह पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक हमें जो भी निशान है, लंबाई है, उसका हाफ पे भी एक मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम शेप पट्टी के बिना भी मार्किंग कर सकते हैं, यानी मिड का हमारा जो लेग का मिड है उसका भी निशान लगा लिया। इसके बाद इस तरह से देखिए गोलाई देते हुए हम इंची टेप की मदद से ही लाइन खींच लेंगे। ये देखिए एकदम शेप पट्टी जैसा ही शेप आएगा। मिड पॉइंट तक हम कोई भी कर्व नहीं देते हैं और मिड पॉइंट के बाद हम कर्व देते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट तक कर्व नहीं दिया है हमने, और इस तरफ हम मिड पॉइंट तक एकदम हल्का सा कर्व देंगे और ऊपर हम जाके मेन कर्व दे देंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट के 2 पीसेस यानी 2 पैनल रेडी हो जाएंगे। अब हम इसी को ही कपड़ा फिर से डबल फोल्ड करेंगे और उस पर रखेंगे। सबसे पहले जो हमने मार्किंग करी है उसे हम कट करके दोनों हमारे फ्रंट के पैनल्स को हम मेन फैब्रिक से अलग निकाल लेते हैं। फ्रंट का पीस हमारा मेन फिटिंग का पीस होता है। बैक के पीस को हम 2-2 इंच हर जगह से ज़्यादा लेते हैं। 2-2 इंच चौड़ाई में भी 2 इंच ज़्यादा और लंबाई में भी 2 इंच ज़्यादा। इस तरह से फोल्ड करेंगे और रखेंगे उसके ऊपर। देखिए हमने फिर से लंबाई में फोल्ड किया अपने कपड़े को और इस पीस को 2 इंच इधर से और 2 इंच इधर से दोनों तरफ से एक्स्ट्रा स्पेस देते हुए रख लिया है। लंबाई उतनी ही रहेगी, 2 इंच हमने ऊपर से एक्स्ट्रा याद रखिए लिया है। और उसके बाद हम इधर साइड वाले भी मार्क सेम कर देंगे इस तरह से, मिड पॉइंट तक सीधी लाइन और फिर कर्व। इधर में हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 2 इंच ज़्यादा जो हमने कपड़ा लिया है वो लाइन हम एक्सटेंड कर देंगे, 2 इंच ज़्यादा हमें कपड़ा मिलेगा पीछे की तरफ। और ऊपर भी इसी लाइन को, ऊपर 2 इंच ज़्यादा हमने लिया है वो पूरा लंबाई में फैला देंगे। अब यहाँ पे भी हम क्रॉच की गोलाई दे लेंगे इस तरह से, ये हो गया। और फिर जो हमारा ऊपर की जो ये लाइन है, मिड पॉइंट यहाँ पे भी मार्क करेंगे और नीचे का 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, हर जगह 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने, और उसको हम इस तरह से कर्व लाइन की मदद से मिला लेंगे यूँ इस तरह से।
अब ऊपर जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे मेन लंबाई से तिरछा मिला दिया। ये तिरछा इसलिए जिसे बैठते में पीछे आप देखते होंगे कभी कभी कपड़े नीचे को हो जाते हैं जो भद्दा लगता है वो ना हो, इसलिए पीछे हम बीचों बीच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हम इसको भी कट कर लेंगे मेन फैब्रिक से, और जो यहाँ का पीस है यहाँ से हमें बेल्ट मिल जाएगी और जेब मिल जाएगी। तो इस तरह से 2.25 मीटर में जेब और बेल्ट दोनों हमें मिल जाएंगी यहाँ साइड से। और थोड़ा सा जेब के लिए हमने 4 फोल्डेड कपड़ा लिया है जिसकी 7.5 इंच चौड़ाई है। ये देखिए इधर से हम दिखाते हैं, 7.5 इंच हमने चौड़ाई ली है और लगभग ये 12 इंच हमने लंबाई ली है। आप इसे बढ़ा घटा सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। और उसके बाद इसे हल्के से ऐसे कर्व दे लिया है जेब के लिए, और हम इसे काट लेंगे। चारों पीस हम जो भी हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, आपस में जो जुड़े हैं चारों पीस अलग अलग करना है हमें हर साइड से। और उसके बाद हमारी जेब की कटिंग हो गई। बेल्ट हमें सीधी पट्टी चाहिए जो हमने आपको बता दी है, वो हम ले लेंगे। कटिंग पूरी हो, कटिंग के बाद स्टिचिंग चलेंगे। तो सबसे पहले पीछे के हिस्से का ये क्रॉच हम सिल लेंगे, और याद रखिए हम यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं दे। तो ये देखिए हमें क्रॉच बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं देते हुए सिलना है। हम इसमें डबल सिलाई करेंगे और फिर दाब सिलाई भी करेंगे इंटरलॉक के साथ, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। तो ये हमारा हो गया, अब यहाँ डबल सिलाई कर लेंगे और फिर इंटरलॉक, ये हो गया। अब हम इसे इस पे ऊपर से भी सिलाई चला लेंगे। जेब अब हमें सिलना है, तो जेब के लिए हम देखिए सीधे वाला जो एक पैनल है उसके ऊपर हम जेब पहले बनाएंगे। सीधे वाले हिस्से का क्रॉच हम सबसे पहले नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए सीधे जेब के हिस्से पे हमने मतलब मेन पे हमने उल्टा जेब रखा है, और सबसे पहले 1.5 इंच पे एक मार्क किया है, फिर उस 1.5 इंच से 6 इंच पे एक मार्क किया है। ये जेब की ओपनिंग का निशान हो गया है। अब हम फ्रंट के पीस पे उल्टा जेब रखा है जेब का एक पीस, वो याद रखिए। और लगभग 1.25 इंच या 0.5 इंच की ये बॉक्स बना ली, जो हमने लाइनें खींची थी उनके बीच में हमने एक डिब्बा जैसा बना लिया है। ये देखिए इस तरह से ये, तो ये जेब की ओपनिंग हो जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, जहाँ ये जो सिलाई दिया है चौकोर डिब्बा जैसा बनाया है इसके अंदर ये कट कर लेना है। याद रहे सिलाई ना कटे, क्योंकि अभी हमें पलटना पड़ेगा। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे, ये देखिए, तो ये हमारी जेब की प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी। अब हम इस पे भी दाब सिलाई दे लेंगे। याद रखिए अभी हमने फ्रंट का क्रॉच सिला नहीं है, एक पीस पे एक जेब जोड़ रहे हैं, दूसरे पीस पे दूसरी जेब भी ऐसे ही जोड़ी जाएगी। तो ये एक पीस हमारी जेब की जुड़ चुकी है। ये देखिए दाब सिलाई एक तरफ से दे ली। अब यहाँ अच्छे से आप चाहें तो पहले प्रेस कर लें फिर दाब सिलाई दें, ये आप पे है। ये देखिए इस तरह से एक चौकोर डिब्बा जैसा बन जाता है, वो डिब्बा जेब की ओपनिंग है जो फ्रंट साइज में आती है। ये देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर हम जेब का दूसरा पीस जोड़ेंगे। जेब में 4 पीस है ना, तो एक पीस तो ये जुड़ गया। अब जेब का दूसरा पीस इधर देखिए उल्टे पे उल्टा रखेंगे। ये देखिए उल्टे पे सीधा रखा, ये अंदर की तरफ दोनों उल्टे पीस हैं, और इस तरह से गोलाई वाला हिस्सा जोड़ देंगे। फर्स्ट पीस का जो सीधा हिस्सा था वो तो जेब में जुड़ गया है पैंट में, अब ये इसमें गोलाई वाला हिस्सा दूसरे पीस में ऐसे जोड़ लिया। यहाँ भी इंटरलॉक हम दे लेंगे और दाब सिलाई बाद में। जेब हो गई, जेब को हम पलट देंगे। पलट के देखिए इस तरह से जब हम दोनों पीसेस को रेगुलर करेंगे तो ये इस तरह से जेब का कुछ आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये दोनों पीसेस को विंडो टाइप की इसमें जेब में ओपनिंग दिख रही होगी आपको, हम दोनों पीसों को इस साइड से सीधी सिलाई से सिल लेंगे। ये जो सीधी सिलाई है ये जब हम इस पे फ्रंट के हिस्से पे बैक पीस जोड़ेंगे ना तो वो हमारी गाइडलाइन की तरह यूज़ होगी, नहीं तो हमारा जेब जो ओपनिंग है वो कहीं बंद ना हो जाए जब आप इसमें बैक पीस जोड़ो, इसलिए हम ये गाइडलाइन वाली सिलाई ज़रूर देते हैं। ये देखिए पूरी जेब भी इससे टक जाएगी और गाइडलाइन के लिए सिलाई भी मिल जाएगी दूसरा पीस जोड़ते में। तो ये हमारी जेब के ये पीस इस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर हम बैक पीस रखेंगे। ये देखिए जेब ये ओपनिंग खुली हुई है, हमने इस तरह से सिला है इसमें। अब बैक पे तो क्रॉच हम जोड़ चुके हैं तो वो हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ये बैक का हिस्सा है। और जो हमने यहाँ गाइडलाइन के लिए सिलाई करी है उसी के ऊपर सिलेंगे। देखिए वो सिलाई हमने ऊपर को कर ली है जिससे दिक्कत ना आए, यानी जेब जोड़ ना जाए। तो इस तरह से उसी सिलाई के ऊपर हम ये सिलाई करते जाएंगे तो ओपनिंग भी खुली रहेगी, और नीचे तक ये सिलाई हम एक्सटेंड कर देंगे, यानी हमारा फ्रंट का पीस बैक
के पीस में हम इस तरह से जोड़ रहे हैं साइड की सिलाई से। दोनों ही तरह की जेब सेम तरह से बनेगी, तो जैसे लेफ्ट जेब बनी है वैसे ही राइट भी बना लीजिएगा। और यहाँ जो हम ये सीधी सिलाई साइड की कर रहे हैं इस पर हम दाब सिलाई भी देंगे, जिससे कि एकदम मार्केट या बाज़ार जैसा लुक आएगा आपकी इस पैजामे में या लोअर में, एकदम ये ट्राउज़र लुक देगी लोअर बनने के बाद। अब हम यहाँ पर बैक की तरफ, ये देखिए कितना फाइन यहाँ पे ओपनिंग आई है हमारी जेब की। इसके बाद बैक की, हमने बैक की तरफ के पीस की तरफ से यूँ दाब सिलाई देनी है, पूरी नीचे तक दाब सिलाई अच्छे से खींच के देंगे, जिससे कि ये पूरी अच्छी से बैठ जाए। दोनों ही इसी तरफ की जेब भी ऐसे ही हमने बना ली, और अभी हमारा फ्रंट का ये क्रॉच एरिया जुड़ा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे वो लगाने वाले चेन, तो उसके लिए हमने 2.5 इंच बाई ये लगभग 8.5 इंच की दो पीस ले लिए हैं कपड़े के, 2.5 बाई 8.5 के, और ये चेन जोड़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पीस पे देखिए चेन को हमें किस तरह से रखना है। ये देखिए, ये हम अपने पीस को यूँ डबल फोल्ड किया लेकिन एक हिस्सा थोड़ा बड़ा रखा, उसके बाद चेन उसके ऊपर इस तरह से रखी और जो बड़ा हिस्सा है वो चेन की तरफ को यूँ फोल्ड कर दिया, और यहाँ पे हम सिलाई दे लेंगे। ये हिस्सा हमारी अगर हम अपनी तरफ से देखें तो ये हमें लेफ़्ट साइड की तरफ का हिस्सा हम बना रहे हैं चेन लगाने का। ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा किया और एक पीस को बड़ा रखा और उसको फिर चेन के ऊपर यूँ फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा हो गया। थोड़ी सी चेन से बड़ी है पट्टी, वो वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद हम इसे कट कर देंगे धागा, और फिर हम यहाँ पर इस पीस को यूँ उल्टा रखेंगे अपने लेफ्ट तरफ और इसे इस तरह से जोड़ देंगे। उल्टा रखा है, चेन नीचे की तरफ है और ये इस तरह से हम सिल दे रहे हैं। वही सिलाई जो पहले दी थी उसी के जस्ट ऊपर हम सिलाई करके थोड़ा ऊपर से, देखिए इस तरह से जब हम पलटेंगे तो ऐसे दिखेगी। अब हम यहाँ पर यहाँ तक सिला है तो एक छोटा सा नॉच दे लेंगे और नीचे के कपड़े को ऊपर कर लेंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम दाब सिलाई भी दे लेंगे इसके ऊपर, जिससे कि ये हिस्सा पूरा बैठ जाएगा। ये लेफ्ट तरफ है याद रखिए पैंट का, ये इस तरह से सीधी दाब सिलाई देना है। यहाँ नॉच दिया है, ये नॉच इसलिए जिससे कि दूसरा हिस्सा इस पर जोड़ पाए आसानी से, तो ये देखिए इसे इस तरह से दाब सिलाई दे लेना है। ये क्या लॉक कर दिया, तरफ तो ये जुड़ गई। अब दूसरी तरफ कैसे जोड़ना है वो देखिए, ये जो पट्टी है इसको हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए। दूसरे साइड का जो हमारा क्रॉच वाला हिस्सा है उसके ऊपर हम डबल फोल्डेड पट्टी को ऐसे ही सिल देंगे, यानी सीधे कपड़े पे पट्टी यूँ डबल फोल्ड करके रखी और उसे पूरा सिल दिया, वहीं तक सिलेंगे जहाँ तक नॉच लगाया है हमने दूसरे पीस में। पट्टी हमने सिल ली है, यहाँ भी हम इस तरह से पलटने वाले हैं इस पट्टी को, तो ये देखिए इस तरह से पलटेगी। हम यहाँ पे दाब सिलाई दे ले रहे हैं, आपने देखा होगा बाज़ार की पैंट्स में यहाँ पे जो आता है फ्लैप ऊपर वाला उसके ऊपर दाब सिलाई यहाँ पे होती है, तो इस तरह से हमें सिर्फ वहीं तक दाब सिलाई करनी है जहाँ तक हमारा दूसरे पीस में नॉच हमने कट किया है, तो ये दाब सिलाई हो गई। इसके बाद ये जो नीचे का क्रॉच वाला हिस्सा बचा है ये दूसरे क्रॉच वाले हिस्से से यूँ जोड़ना है। जोड़ना कैसे है वो अभी हम बताएंगे आपको। दोनों फ्रंट के क्रॉच जोड़ने हैं, ये देखिए हमने पिन से यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं चेन वाला हिस्सा, जहाँ ऊपर का नॉच से ऊपर का हिस्सा हमने ऊपर भी पिन कर दिए और नीचे भी यूँ पिन कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए जो नॉच हमने लगाई थी कपड़े पे लेफ्ट साइड के, उसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए ये नॉच है, इसे ऊपर की तरफ फोल्ड किया और दूसरे पीस को उसके ऊपर फोल्ड करके रख दिया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं। ये देखिए नॉच के ऊपर हमने सुई अंदर की, ये देखिए लेफ्ट साइड का कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड होएगा यूँ, और राइट साइड का कपड़ा नॉच के बाद से नीचे की ओर फोल्ड होगा, तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर जब आ जाएंगे तो रॉ एजेस तो छुप ही जाएंगे। लेफ्ट साइड का कपड़ा ऊपर फोल्ड कीजिए यूँ और राइट का नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए, और इसको इस तरह से क्रॉच एरिया को जोड़ लीजिए। यहाँ पे आप डबल सिलाई दे सकते हैं, यहाँ पे इंटरलॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका कपड़ा पूरा उसी के साथ दब रहा है। ये देखिए लेफ्ट का ऊपर फोल्ड किया और राइट का नीचे को फोल्ड किया और उस पर पूरी सीधी सिलाई दे दी।
तो इस तरह से हमें ये करते जाना है एंड तक। ये हो गया, यहाँ हम डबल सिलाई दे लेते हैं जिससे कि अच्छे से बैठ जाएगा ये, और डबल सिलाई के बाद यहाँ पर लॉक करेंगे चेन जहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये देखिए यहाँ हमने डबल सिलाई की, ऊपर तक गए थोड़ा, यहाँ रुक गए, चेन अंदर ही रखी, थोड़ा ये पिन हटा ले रहे हैं हम क्योंकि इसके बाद हमें जो नीचे, ये देखिए ये हमें जोड़ना है इसके साथ चेन को। तो ये जो फ्लैप हमने फर्स्ट जोड़ा था लेफ्ट साइड, उसे हम हटा दे रहे हैं इसके नीचे से, नहीं वो जुड़ जाएगा। अब इसके ऊपर ऐसे गोलाई देते हुए लॉक करना है और ये ऊपर तक सिलते जाना। याद रखिए जो हमने फर्स्ट पीस ऐड किया था लेफ्ट साइड में, उसे हमने हटा दिया है इसके नीचे से। ये पूरा ऊपर तक इसी तरह से सिलता हुआ जाएगा, ये ऐसे। चेन लगाने में दिक्कत हो रही हो तो मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसे। तो ये इस तरह से चेन हमारी लग गई, देखिए ये चेन लग गई। तो नीचे से हमारा जो पहचा है, हमने एक साइड से साइड फिटिंग दे ली है, नीचे से अब हम पहचा मोड़ ले रहे हैं। ये लगभग हम 1.25 इंच का मोड़ रहे हैं, आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। याद रखिए हमने जो लंबाई रखी थी वो 1 इंच के हिसाब से ही रखी थी, जो एक्चुअल लंबाई है उसी के हिसाब से रखा है। तो इस तरह से हमने लगभग ये ऐसे एक तरफ से फोल्ड कर दिया। आप दूसरे तरफ का भी पीस फोल्ड कर देंगे, और ये पीस फोल्ड करने के बाद जो बीचों बीच की लेग्स में सिलाई होती है वो दे लेंगे। तो ये इस तरह से हमें पूरा ये सिल देना है नीचे का हिस्सा। देखिए इसके बाद हमने अपने पहचे को ये डबल फोल्ड किया, और उसके बाद ये यहाँ बीचों बीच वाली सिलाई दे लेंगे एक पहचे से स्टार्ट करके, ये लॉक करते हुए सिलेंगे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लुक बेकार हो जाता है। ये हमने बीच की सिलाई कर रहे हैं, एक पहचे से स्टार्ट करना है और पूरा क्रॉच, हाँ क्रॉच पे क्रॉच बैठना चाहिए, ये भी याद रखना है हमें। ये देखिए ये सिल गया। अब हमें यहाँ पे हमने जेब को पिन की मदद से अटैच कर दिया है, और उसके बाद एक पट्टी लेनी है और उसे इस तरह से बढ़ी हुई रख के पीछे की तरफ, फ्रंट पे हम पट्टी रख रहे हैं उल्टी, और उसे इस तरह से हम पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए गोलाई में हम, जेब याद रखिए खिसके ना, इसलिए हमने पिन की मदद से अटैच कर रखी है। ये देखिए पट्टी हम अटैच कर रहे हैं ऊपर की तरफ, बेसिकली अगर हम आपको बताएं, और ये पट्टी थोड़ी बड़ी रखी है हमने और उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया है जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। और उसके बाद पूरी गोलाई में इस तरह से सिलते जा रहे हैं। एंड में भी हम यही करेंगे, पट्टी को थोड़ा बड़ा रखते हुए पीछे की तरफ फोल्ड करके तभी सिलेंगे। तो ये देखिए हम इसमें इलास्टिक भी लगाने वाले हैं क्योंकि ये हमारा लोअर बन रहा है, तो वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। अगर कोई दिक्कत है तो फेसबुक के हमारे पेज पे जाकर आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए इसको इतना कपड़ा ज़्यादा रखेंगे हम ये, और इस बढ़े हुए कपड़े को भी पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, और हम यहाँ पर जेब का भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि जेब साइड से तो जुड़ गई, ऊपर भी ऐसे जुड़ेगी। हम इसे पलट लेंगे पट्टी को, तो ये इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए अब हम इस पट्टी में ये इलास्टिक इस तरह से रखेंगे और एक सिलाई यहाँ, वैसे तो इसे इलास्टिक को रख के इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ ऐसे लगाना है, बट इलास्टिक खिसक जाएगी इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक दाब सिलाई दे लेंगे जो इलास्टिक को जोड़ते हुए होगी। दोनों ही तरफ हम ऐसे ही करेंगे, यानी लेफ्ट और राइट तरफ दोनों तरफ हम पहले ही इलास्टिक को अटैच कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई के ऊपर ही रख के यहाँ पर एक सीधी सिलाई दे लेंगे। ये देखिए लास्टिक पे सुई नहीं चलानी है हमें कतई भी, जो नीचे की सिलाई थी उसको हम उसी के ऊपर हम यूँ सिल रहे हैं। ये देखिए ये लास्टिक पे सुई नहीं आनी चाहिए, हम बार बार आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि लास्टिक थोड़ी छोटी होगी मेन कपड़े से तो खींचनी पड़ेगी थोड़ी। अभी हम यहाँ पे सिर्फ डबल फोल्ड कर रहे हैं। देखिए हमने लास्टिक तो यहाँ जोड़ ली है, यहाँ जो साइड से खुला हुआ हिस्सा है उस पे भी यूँ सिलाई कर देंगे, पट्टी पे जो साइड का हिस्सा था, और फिर हम इस तरह से सिलेंगे। ये देखिए लास्टिक को खींच के थोड़ा सा हर तरह कपड़ा बराबर कर लेंगे, और हर तरफ बराबर करके फिर दोनों तरफ से खींचते हुए इसके ऊपर यूँ सिलाई जब कर देंगे लास्टिक पे तो चुन्नट आ जाएगी।
इस तरह की दो या तीन सिलाई आप जितनी चाहिए आप डाल सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हम खींचते जा रहे हैं और इस तरह से दो या तीन सिलाई हम दे लेंगे इलास्टिक के ऊपर ही, जैसा बाज़ार में होता है वैसा ही एकदम बन जाएगा ये। इसके बाद हम इसमें बटन लगा लेंगे क्योंकि चेन के ऊपर दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए बटन चाहिए होगा, बटन और काज लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे दो या तीन सिलाई देनी होगी। कपड़े को खींचना मतलब इलास्टिक को दोनों तरफ से खींचना है तो कपड़ा उस पर फिट आता जाएगा। ऐसे ही करना है यूँ इस तरह से एंड तक। एक हो गया, दो सिलाई हम और दे देंगे इसके ऊपर जिससे कि और ही अच्छा सा लुक आ जाएगा। ये इस तरह से खींचते हुए ही सिलना है हमें, यह याद रखना है। देखिए ये है फाइनल लुक लोअर का, इसमें जेब और चेन हमने लगाई है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।